चलते चलते सर, हाँ सर, अभी तक क्या स्थिति हम कह सकते हैं कि क्या स्थिति यही है कि लगातार द रेस्क्यू ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। आप देख रहे हैं लगातार NDRF और सारे सीनियर अधिकारीगण लगे हुए हैं। अभी वी हैव ऑल्सो फाउंड आउट दैट सम पीपल जो फर्स्ट स्टेज में रेस्क्यू हो गए थे हॉस्पिटल में अभी रिकवर कर रहे हैं। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स एट हैंड बिकॉज वी आर मोर कंसर्न विद जो यहाँ पर अवेलेबल है, बट वी आर ट्राइंग आर बेस्ट कि जल्द से जल्द जो भी स्पॉट है वो पूरी तरह से मतलब हम अनकवर करके जो रिकवरी पॉसिबल हम कर सकें। सर, कितने लोगों को आपने बाहर निकाल लिया था? आई हैव टू चेक विद कलेक्टर साहब ऑन दैट फिगर, बट वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट, तो फिगर अभी कंफर्म नहीं है। सर, जो लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं क्या पूरी तरह से सुरक्षित है, स्वस्थ हैं? हाँ, यस, फ्यू ऑफ देम हैव बीन रेफर्ड टू विदिशा फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, बट एज फार एज वी नो टिल नाउ, टिल द लेटेस्ट अपडेट, अभी दे आर सेफ। सर, कुछ अंतर रात का रेस्क्यू और दिन के रेस्क्यू में कुछ अंतर हुआ है? कुछ संसाधन बढ़ाए गए हैं और अब गति तेजी से आप देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ एक क्रेन और एक JCB थी उसकी संख्या बढ़ गई है, आपके सामने उधर कैमरे में दिख ही रहा है। साथ ही साथ हमारे पास बल ज़्यादा उपलब्ध है। NDRF की जो कोर टीम है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की, वो अपने बेस्ट पॉसिबल ऑफिसर्स के साथ यहाँ वर्क कर रही है। लगातार हमारे सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे हैं, ADG साहब एंड कमिश्नर साहब देमसेल्स आर प्रेजेंट, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल जो एफर्ट्स है लगातार वो हम करे जा रहे हैं। सर, एक क्या आपने पूरे गांव में सर्वे किया, आसपास के गांव में सर्वे किया, कितने लोग मिसिंग है, ये इसको लेकर कोई आंकड़ा स्पष्ट हुआ है? वी हैव लुक्ड इनटू अ फ्यू पीपल हु आर मिसिंग। अच्छी बात ये है कि कई लोग जो रात में मिसिंग थे हैव बीन फाउंड ऑल्सो, तो उसके साथ ही एंड अलॉन्ग विद द पीपल हु आर प्रेजेंट, अनफॉर्चुनेटली जो आई विटनेस अकाउंट है सम ऑफ देम आर इंजर्ड, तो उनसे भी हम पूरा स्टेटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वी आर कॉन्फिडेंट दैट मतलब वी विल बी नोइंग वेरी सून कि एग्जैक्टली कितने लोगों तक मतलब जो अभी आपदा में फंसे हैं, और जैसे बताया मेनी ऑफ देम हैव बीन रेस्क्यूड आर इन द हॉस्पिटल एट प्रेजेंट रिकवरी, तो वंस उनकी रिकवरी थोड़ी ठीक हो जाती है तो स्टेटमेंट लेकर और क्लैरिटी मिलेगी। और जैसा आप कह रहे हैं डोर टू डोर सर्वे नाइट में चैलेंजिंग था, उसे दिन में हम कंटिन्यू करके और मिसिंग पर्सन एसेस कर रहे हैं। थैंक यू। डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, दिन में भी किया जाएगा, ताकि जो लोग मिसिंग है, देखिए ये रेस्क्यू के लिए ये बेहद जरूरी होगा ये पता करने के लिए कि आखिर कितने लोग अंदर हो सकते हैं, तो उसके लिए डोर टू डोर सर्वे जो है वो किया जा रहा है ताकि मिसिंग लोगों को के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। SP विनायक वर्मा जो SP विदिशा हैं, उनका ये कहना है कि जो लोग रेस्क्यू से बाहर निकाले गए थे वो लोग अब पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो रात में मिसिंग लोग थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो मिसिंग है, वो मिसिंग लोग अब काफ़ी लोग मिल चुके हैं, वापस घर लौट चुके हैं, तो वो जो एक आंकड़ा कल रात को बताया जा रहा था उस आंकड़े को हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा वो आंकड़ा कम हो सकता है, तो थोड़ी सी राहत वाली बात है। और दूसरा, जैसा उन्होंने बताया कि सुबह जो मशीन जो संसाधन है सुबह उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि रात में रेस्क्यू में दिक्कत होती है, लेकिन अब उस रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ संसाधन बढ़ा दिए गए हैं, NDRF की कोर टीम को बुला लिया गया है और अब लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। क्योंकि देखिए ये पूरा क्षेत्र जो है वो बेहद खतरनाक जोन, इसको हम कह सकते हैं कि इस जोन के आगे, क्योंकि ये यही वो जगह थी दीपक जहाँ मिट्टी धस गई थी और इस मिट्टी धसने के कारण ही लोग यहाँ दब गए थे, तो इस